बॉलीवुड में अपने काम की बदौलत पहचान बना चुके झारखंड धनबाद के रहने वाले जाने माने अभिनेता जावेद पठान की पहली हिंदी फिल्म हॉरर लव स्टोरी शुक्रवार को धनबाद शहर के पूजा टॉकी सिनेमा हॉल से प्रदर्शित हो रही है। फिल्म के उद्घाटन कार्यक्रम में लीड एक्टर जावेद पठान की अम्मी और अब्बा भी सिनेमा हॉल पहुँचे, जहाँ उन्होंने मूवी का विधिवत उद्घाटन किया। इस फिल्म में अभिनेता आवेद पठान बतौर लीड रोल में है। वहीं इस फिल्म में हीरोइन की भूमिका मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या चौबे निभा रही हैं, जबकि फिल्म में जाने माने बॉलीवुड के चर्चित कलाकार शक्ति कपूर, मुश्ताक खान और हास्य अभिनेता सुनील पाल भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। फिल्म हॉरर लव स्टोरी के निर्देशक इसराल अहमद हैं, जिन्होंने नजाउद्दीन सिद्दीकी को लेकर लतीफ़ फिल्म बनाई थी। वहीं इस फिल्म के प्रोड्यूसर सह क्रिएटिव निर्देशक ब्रजेश एम वर्मा हैं। हॉरर लव स्टोरी की पूरी शूटिंग मुंबई के विभिन्न लोकेशन पर की गई है। दरअसल कोरोना से पूर्व ही फिल्म तैयार हो गई थी, लेकिन मुंबई में कोरोना की पिकअप लहर के दौरान सिनेमा थिएटर पर रोक लगी हुई थी, इसलिए फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। ऐसे में कोरोना मामले में कमी आने के बाद झारखंड के धनबाद में फिल्म प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया। धनबाद शहर के मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे पले जावेद के पिता मोहम्मद इमामुद्दीन बीसीएल में माइनिंग सरदार थे। सेवानिवृत्त होने के बाद जावेद के पिता आज भी झरिया के भागा माइनिंग कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। 15 साल पहले धनबाद के एक अभिनेता बनने के सपने को लेकर धनबाद का बेटा जावेद मायानगरी मुंबई पहुंचा। मुंबई की तंग गलियों में फुटपाथ पर भूखे पेट रात भी गुजारी, काम के अभाव में होटल में बर्तन भी साफ किए, लेकिन मुकाम पाने तक संघर्ष जारी रखा। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद मंजिल मिली और पुरानी कथा पर आधारित टीवी की चर्चित शो जय जय बजरंग बली से पहली बार सीरियल में ब्रेक मिला। उसके बाद महाराणा प्रताप, जोधा अकबर, बालवीर, जय शनिदेव, महादेव, विघ्नहर्ता, गणेश हम पांच है जैसे चर्चित टीवी डेली शो में काम किया।